ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, एक महीने में जितनी भी आपने कंप्लेंट फॉरवर्ड की, क्योंकि आप जब भी कंप्लेंट फॉरवर्ड करते नोटिस इश्यू करते हैं बाकायदा डेडलाइन होता है, जैसे आज भी जो किया गया 4 दिनों में जवाब दिया, क्या उसमें कोई जवाब आया था? क्या जवाब आया था? अगर जवाब नहीं आया इसीलिए मैंने आज सीएम से बात की है, मैंने बार बार उनसे बात करने के बाद जब जवाब नहीं आया तो मैंने सीएम से बात की है। बट इन दिस केस वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी। मैम मान लीजिए एक लैप्स रहा है अधिकारियों की तरफ से कि जहां पर 4 दिन में 7 दिनों में जवाब दिया जाता है, महीना डेढ़ महीना गुजर जाता है कुछ नहीं हो रहा है, नहीं रिप्लाई आया। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी ग्रुप ऑफ वीमेन फ्रॉम मणिपुर, जिसको हमने पहले फॉरवर्ड किया सीएस को और डीजी को, और फिर मैंने अपने डीओ लेटर से मैंने ही लिखा उसी टाइम मई में ही। उसके बाद एक जून में 2 व्यक्तियों की कंप्लेंट आई, जो उनमें से एक आउट ऑफ इंडिया का था और एक हैदराबाद के, दोनों प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे। हमने वो कंप्लेंट भी उसके ऊपर भी हमने काम किया और सीएस और डीजी को उसी टाइम हमने लेटर लिखा। कल जब मीडिया रिपोर्ट में वो वीडियो आया और उस वीडियो पर भी हमने सुओ मोटो लेते हुए 3rd टाइम डीजी और सीएस को ना केवल लिखा, मैंने पर्सनली दोनों से बात की और आज मैंने सीएम से भी पर्सनली बात की है इस मैटर पे।